السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دنيا كي مسافر منزل تیری قبر ہے اور طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر. معزز علماء کرام,
बुजुर्गान दी, जवानों नौजवानों, परदा नशीन माएं बहने बेटियां, अजीज प्यारे बच्चों, सारी तारीफें उस अकेले वहदहूला शरीक लहू के लिए हैं कि जिसने हमको आपको आज के सब में कुछ देर कुछ लम्हे कुछ घड़ी अपनी बात अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बात सुनने सुनाने का सुनहरा मौका दिया। अब अल्लाह से हम दुआ करें कि परवरदिगारा हम तमाम के बैठक को, हम तमाम के हाजिरी को, हम तमाम के सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। जो बातें हम किताब सुन्नत के हवाले से सुने उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बादहु दरूद व सलाम की डालियां नशावर हो तमाम नबियों पर, बिलखुसूस मेरे आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। मोहतरम हजरात, खुतबे हाजा के बाद मैंने आपके सामने पारा यकवी सूरतुल अनकबूत के आखिरी सफ़े की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है। उसी आयत के ज़िम्न में चंद एक बातें आपके सामने रख करके इंशाल्लाह अपनी बात मुकम्मल करूंगा। दुआ है पालनहार से कि अल्लाह हमें हक कहने की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में जिस उनवान और जिस टॉपिक पर मुझे बात रखनी है आपके सामने आपके हुजूर में, वो ये है कि दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की क्या सच्चाई है, जिस दुनिया के लिए हम और आप, चाहे वो जवान हो नौजवान हो बुजुर्ग हो पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, जो कोई हो, दिन रात हमने आपने एक किया हुआ है। जिस दुनिया के चमक के लिए, जिस दुनिया के दमक के लिए, जिस दुनिया को पाने के लिए, जिस दुनिया को हासिल करने के लिए, आइए हम आज जानने की कोशिश ये करें कि इस दुनिया की हकीकत क्या है, इस दुनिया की सच्चाई क्या है, जिसके लिए इतनी कोशिशें हम और आप कर रहे हैं कि दिन के उजाले कम पड़ जाते हैं, रात की तारीकियों में भी हम और आप कोशिशें कर रहे होते हैं, और इतनी कोशिशें हम और आप करते हैं कि मेरी आपकी अपनी जिंदगी कब 40 को पहुंच गई पता ही नहीं चला, लड़कपन कब गुजर गए एहसास तक नहीं हुआ, जवानी हमने कब गुजार दिए पता तक नहीं चला, और चंद अय्याम जो बुढ़ापे के बचे थे उसको भी मैंने आपने दांव पर लगा रखा है दुनिया के चमक के लिए, दुनिया के दमक के लिए, दुनिया को हासिल करने के लिए। अल्लाह वालों, दुनिया की कुछ तो हकीकत होगी जो इतनी कीमती जिंदगी हम और आप इस दुनिया के लिए लगा रहे हैं, इस दुनिया के लिए सर्फ कर रहे हैं, इस दुनिया के लिए खर्च कर रहे हैं, फिर इस दुनिया की कुछ तो हकीकत होगी, कुछ तो सच्चाई होगी, या कम से कम किसी से मैंने आपने मशवरे जरूर लिए होंगे कि भाई इतनी कोशिश जो हम कर रहे हैं इस दुनिया की क्या सच्चाई है, इस दुनिया की क्या हकीकत है। अल्लाह वालों, या तो फिर आप मुझे ये बता दें कि मेरी आपकी नजरों में जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, जिंदगी की कोई कदर नहीं है, जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। अगर कीमत नहीं है तो फिर आप दुनिया को पाने में अपनी जिंदगी सर्फ करते रहे, लेकिन जब आपकी नजरों में, हमारी नजरों में जिंदगी की अहमियत है, जिंदगी की कीमत है, जिंदगी का वैल्यू है, फिर अल्लाह वालों हमको आपको रुक करके समझना होगा, जानना होगा, मशवरा करना होगा, पूछना होगा कि आखिर जब इतनी कीमती जिंदगी है मेरी आपकी, तो इस दुनिया के लिए जो हम आप खर्च कर रहे हैं तो पहले समझ लें कि क्यों खर्च कर रहे हैं। ये तो जानना पड़ेगा हमको, आपको सबको जानना पड़ेगा भाई, कोई प्लाट खरीदना होता है, कोई तिजारत करने होते हैं, कोई बड़ा काम हमको आपको करना होता है, तो दसों एक लोग से हम और आप मशवरा लेते हैं भाई, देखो लाखों का इन्वेस्टमेंट है, लाखों फुट हमको लगाने हैं, आया कि इस तिजारत में नफा होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैसे डूब जाएं, मैं बर्बाद हो जाऊं, जो लाखों रुपए हम लगाने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा तहस नहस हो जाए, लिहाजा हम 10-1 लोगों से मशवरा करते हैं। क्यों? इसलिए कि लाखों की कीमत है मेरे आपके नजरों में, लाखों की कदर है मेरे आपके अपने यहाँ, इसलिए दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपनों से, सबों से हम मशवरा
مشورے کرتے ہیں اللہ والوں زندگی کی کوئی قیمت میرے آپ کے ہاں نہیں ہے, زندگی کی کوئی قدر اور ویلو میرے آپ کے اپنے ہاں نہیں ہے. آپ جواب یہ دے سکتے ہیں کہ ہے, اگر ہے تو پھر اس قیمتی زندگی کو ہم اس دنیا کے لیے صرف کر رہے ہیں تو دنیا تو اور زیادہ قیمتی ہوگی میری آپ کی نظروں میں. اللہ والو اس بات کا ثبوت ہم خود دیتے ہیں. تو ہم میں سے کوئی اپنے بیمار ہوتے ہیں, ابا کی بیمار ہو, ابا بیمار ہوتے ہیں, اما بیمار ہوتی ہیں, یا ہم خود جب بیمار پڑتے ہیں تو اپنی زبان سے جا کے ہم یہ بات کہتے ہیں ڈاکٹروں کے یہاں, ڈاکٹر صاحب میرے ابا کی زندگی کو بخش دو, آپ چاہیں تو پوری دنیا کی دولت ہم آپ کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہیں, بس آپ میرے ابا کے زندگی کو بخش دو, میری والدہ کی زندگی کو بخش دو, ایک ایک سانس کی ہم بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ والو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی اہمیت ہے میرے آپ کے نظروں میں. پھر اللہ والو جس دنیا کے لیے اتنی کوششیں ہو رہی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے, اس کی کیا سچائی ہے؟ سوال یہ ہے کہ مشورہ کس سے لیا جائے, پوچھا کس سے جائے؟ سوچا چلو اپنے امام صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جو ہم کو نماز پڑھاتے ہیں, عید بقرعید کی نماز پڑھاتے ہیں, جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں, جو ہمارے امام ہیں ان سے پوچھ لیں. صبح ہوئی تو دیکھا دنیا کو پانے میں پہلی صف میں ہمارے امام صاحب کھڑے ہیں, ان کو تو اور پڑی ہے دنیا پانے میں, پھر کس سے پوچھا جائے؟ امام صاحب کا حال یہ ہے کہ وہ تو پہلی صف میں کھڑے ہیں دنیا پانے کے لیے, کس سے پوچھا جائے؟ کون مشورہ دے گا؟ بڑا افراتفری ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ باتیں میں خطاب کس سے کر رہا ہوں. بہرحال جو بھی لوگ میری طرف متوجہ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ذرا توجہ سے, جو کہ جب افراتفری ہوتا ہے نیٹورک کٹ جاتا ہے نا, دراصل معاملہ یہ ہے. بہرحال دنیا کی جو سچائی ہے آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے کلام سے. پارہ کبھی سورۃ العنکبوت کے آخری صفحے کی آیت کریمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. کہا وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهي الحيوان. کہا اے محمد رسول اللہ قرآن پڑھ کر سنا دو, دنیا کے لوگوں کو دنیا کی حقیقت بتا دو, دنیا کی سچائی بتا دو. اے کملی والے جناب محمد رسول اللہ قرآن پڑھ کر کائنات کو سنا دو اور لوگوں کے سامنے دنیا کی حقیقت کھول کر بیان کر دو کہ دنیا کیا ہے اور دنیا کی سچائی کیا ہے, جس کے لیے یہ دن رات کیے ہوئے ہیں, نمازوں سے دور ہو چکے ہیں, اللہ سے دور ہو چکے ہیں, رسول سے دور ہو چکے ہیں, آج مسجدیں ویران پڑی ہیں, قرآن تاکوں پر رکھا ہوا ہے, ان کے گھروں میں قرآن کی آواز نہیں آ رہی ہے. اے کملی والے جناب محمد رسول اللہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو دنیا کی حقیقت سمجھا دیں. کہا ہوا ماتی دنیا, یہ دنیا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں, یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں, جس میں اونچے بنگلے بنا رہے ہیں, جس میں بڑی سواریاں خرید رہے ہیں, جس میں اپنے نام کا ڈنکا بجا رہے ہیں, اپنے نام کا سکہ چلانے کے لیے ہم نے آپ نے جوانی گوا دیا ہے, لڑکپن کھو دیا ہے, چند ایام جو بڑھاپے کے بچے تھے اس کو بھی میں نے آپ نے داؤں پر لگا دیا ہے. آو اللہ کا قرآن سن لو, یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ دنیا محض کھیل کود تماشا گاہ کی طرح. کیا مطلب؟ جیسے کسی میدان میں جب تک کوئی مداری دکھا رہا ہوتا ہے, جیسے کسی میدان میں کوئی سرکس دکھانے والا جب تک سرکس دکھا رہا ہوتا ہے, جب تک بچے تماشا دیکھ رہے ہوتے
खचाखच भरा हुआ होता है, लेकिन अल्लाह वालों जैसे ही गेम तमाम होता है, मदारी दिखाने वाला, तमाशा दिखाने वाला अपना तमाशा दिखाना बंद करता है, दिखाने वाला चला गया, देखने वाले चले गए, वो मैदान जो कल तक खचाखच भरा हुआ था पूरी तरह से वीरान हो गया। अल्लाह कहते हैं ओ लोगों, जब तुम्हारे सीने पर मलकुल मौत सवार हो जाएगा और तुम्हारे सांसों की डोर टूट जाएगी और जब सफेद कफन के टुकड़ों में लिपेट करके अंधेरे कब्र में सुला दिया जाएगा, जब चार कंधों का सहारा दे दिया जाएगा, जब कब्र में पहली रात होगी तब पता चलेगा दुनिया की हकीकत का, जो बंगला हमने बनाया था उसका वारिस कोई और हो गया है, जो सवारी हमने खरीदी उस पर सवार कोई और हो चुका है। अल्लाह वालों ये हकीकत है, ये दुनिया की ये सच्चाई है। खेल कूद तमाशागाह की तरह है ये दुनिया। ये कुरान ने मिसाल दिया है, मेरे अपनी तरफ से कोई मिसाल नहीं है, ये अल्लाह के कुरान में है। ये लिहाजा ओ लोगो, अपने उकबा को दुनिया में बर्बाद ना करो, आखिरत का दुनिया में सौदा ना करें। ऐसा ना हो कि हम और आप दुनिया को पाने में इतने आगे निकल जाएं कि जहां हमको जाना है वहां खाली हाथ जाना पड़े। एक मिसाल मैं आपको देता हूं, हम आप सब देहात से ताल्लुक रखते हैं। मेरे आपके अपने देहात में एक कीड़ा पाया जाता है, उस कीड़े का नाम गुबड़ौरा है। जानते हैं गुबड़ौरा एक कीड़ा होता है जिसको गाय और भैंस के गंदगी से बड़ी मोहब्बत होती है, वो सारा दिन उसी गोबर की तलाश में लगा रहता है और उस गोबर को पा करके जो कुछ उसे हासिल करना होता है हासिल करता है, बावजूद इसके उसका एक गोला बनाता है। वो गुबड़ौरा कीड़ा उसका गोला बनाता है, गोला बनाने की कोशिश में इसलिए लगा रहता है कि जो हम फायदा उठाए हैं और इसको साथ लेकर के अपने घर जाएंगे। आपने देखा होगा गुबड़ौरे कीड़े को कि वो गोला बना करके उसको धक्का देता हुआ गोल से जो अपने हिस्से को लाता है उसको जब लेकर के शाम को अपने घर पहुंचता है तो जो उसका अपना मस्कन है, जो उसका अपना ठिकाना है, जो उसका अपना घर है, जब वहां वो आता है तो उस गोल को, उस गोले हुए लाए हुए सामान को अपने उस सुराख में डालने की कोशिश करता है। फिर उसे पता चलता है ये तो सुराख में नहीं जा सकता। लाख कोशिश के बाद उस गोले को जो जिसके लिए पूरे दिन वो मेहनत किया है सामान में चल करके उसको गोला बनाया, उसको धक्के देता हुआ अपने सुराख तक लाया, वहां के उसको ये पता चल रहा है ये तो मेरे घर तक नहीं दाखिल हो सकता, ये मेरे घर के अंदर नहीं जा सकता। प्याई नहीं, इसी तरह अल्लाह वालो जब हमको हमारे अपने हमारे सीनों पर हजार मन मिट्टी डाल करके हमारे लाडले हमारे दोस्तों अहबाब हमारे अपने रिश्ता दार सब छोड़ छाड़ के आने लगेंगे तब ये पता चलेगा ओहो जो हमने गोले तैयार किए थे, जो हमने दुनिया के अंदर साजो सामान जमा किए थे वो तो सब वही छूट गए, हमारे मंजिल तक एक नहीं पहुंचा, हमारे कब्र में एक भी दाखिल ना हुआ, वो मकान भी नहीं आया जिसके लिए हमने हलाल और हराम के दीवार तक को छलांग दिया था, वो चीज भी मेरे यहाँ नहीं आई जिसके लिए हमने झूठी गवाही दिए थे, लोगों पर तोहमत लगाए थे वो भी यहाँ, यानी कि कुछ भी साथ में जाने वाला। कहरे दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफर है,
लिहाजा अल्लाह वालों यही दुनिया की हकीकत है, यही दुनिया की सच्चाई है। आज हमारे जवानों के यहाँ उनको कोई नसीहत करके देख ले, उनको कोई समझा कर देख ले, हमारे जवान मस्जिद में नजर नहीं आते। हमारे जवानों को क्या पड़ी है मस्जिद में, उसे जाने को कौन आया कि बुलाने वाला है। आए हमारा जवान अल्लाह का कुरान पढ़ ले, अपने पेशानी को रब के हुजूर झुका दे, आए अल्लाह के लिए रुकू कर ले। हमारा जवान रात में 12 बजे के बाद सोता है, पता चला हमारा जवान क्या कर रहा है। रात दिन मोबाइल में बिजी रहता है, सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव है, जाने वो क्या कर रहा है। अल्लाह वालों मैं आपको कुछ नहीं कहने आया हूँ, हाँ इतनी बात आप जरूर सुन ले। हमारे अपने घरों के जवान जो कर रहे हैं अल्लाह को नाराज करने के समान, जो अपनी मोबाइलों में जो गलाजत जमा किए हुए हैं अल्लाह को नाराज करके अपने घर में बैठे हुए हैं। मेरे जवानों आप बताओ जिस हाल में आप मौजूद हैं, कल की बात ना करो, आने वाले दिन की बात ना करो, जिस हाल में आप बैठे हुए हैं अपने गरेबान में झांक करके अपने आप से सवाल कर लो, आपके हाथ में जो मोबाइल है जो गलाजत है इसमें भरे पड़े हैं अल्लाह के नाराज करने वाले सामान, पर डे आप 1.5 GB डाटा जहन्नम को खरीदने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, न जाने कैसे कैसे कमेंट और शेयर कर रहे हो। मेरे जवानों बताओ अगर इसी हाल में आपको दुनिया अलविदा कहना पड़ जाए, अगर इसी हाल में आपकी मुलाकात मलकुल मौत से हो जाए, अगर इसी हाल में आपको कब्र के हवाले होना पड़े, मुझे बताना आपके अपने मोबाइल क्या आपके लिए ही साले सवाब बनेंगे। जो गलाजतें जमा है मोबाइलों के अंदर, ठीक है सोए हो अपने घर में अल्लाह को नाराज करके, सोए हो अपने घर में अपना लिबास पहन कर, क्या पता है सुबह हो तो आंख खुले आपकी अपनी कब्र में कफन ओढ़ कर। है कुछ गारंटी, कुछ पता है, कुछ नहीं। करे आंखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, ओ हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, बेखबर है दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। लिहाजा अल्लाह वालों दुनिया की यही सच्चाई है, मजीद जानना हो मजीद समझना हो चले जाओ गांव के कब्रिस्तान पर, कब्रिस्तान की ज़ियारत कर लिया करो। आज तो हमारे अपने जवान हमारे अपने बुजुर्ग किसी जनाजे को कब्रिस्तान लेकर पहुंचते हैं, अल्लाह की कसम मैंने ऐसों को भी देखा है जो कब्रिस्तान पर जाकर भी ठहाके मार कर करते हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो कब्रिस्तान पर भी बैठकर चुगली किया करते हैं। अल्लाह वालों बात आगे न निकले, जाओ कब्रों की ज़ियारत कर लिया करो, कब्रिस्तान चले जाया करो, न जाने कैसे कैसे लोग दफन हो चुके हैं। आज उनका नाम तक लेने वाला कायनात में बाकी नहीं है। अल्लाह वालों न गोरे सिकंदर और न है कबूर तारा, और मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, न जाने कैसे कैसे लोग आए और इसी जमीन में दफन हो गए। आज उनका नाम तक लेने वाला कायनात में मौजूद नहीं है। लिहाजा अल्लाह वालों दुनिया में ऐसा अमल करो जिस अमल से मौला राजी हो जाए। तमाशा न करें दुनिया में, वक्त यूं ही ना गुजारें, आया कि उकबा को हाथ धो दे। अल्लाह के पास जब जाना हो तो अल्लाह के हां हम और आप ऐसा ना हो कि मायूस हो, मेरा आपका दामन खाली हो, नेकियों से सवाब से अल्लाह को राजी करने वाले कोई आमाल ही मेरे आपके पास ना हो।
तो दुनिया की हकीकत है का दुनिया खेल कूद तमाशा की तरह है। तो हमको आपको करना क्या है, इस दुनिया के अंदर ऐसे अमल करने हैं जिस अमल के जरिए हमको आपको अल्लाह जन्नत दे दे, ऐसे अमल करने हैं जिस अमल से मौला राजी हो जाए, ऐसे अमल करने हैं जिस अमल से बोलो जिस अमल से हम पर आप पर जख्म हराम हो जाए, ऐसे अमल करने हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग दुनिया में पूरी तरह से मलबूस हैं, ऐसे नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं माशाल्लाह। जैसे अभी आज के इस प्रोग्राम के जो रसाने बसाने वाले बाबू निसार साहब, अल्लाह उन्हें जजाए खैर दे, बताया ये गया कि कब्रिस्तान के बाउंड्री से लेकर और दीनी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले बाबू निसार अहमद साहब चौधरी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त शेख अब्दुल रशीद साहब सलफ की आपनी निगरानी में इतना बड़ा प्रोग्राम, आप बताएं कि इस प्रोग्राम के करने का क्या मकसद है। मौला राजी हो जाए, लाखों रुपया खर्च करके चाहते तो 10-5 मंडी जमीन बैनामा करवा लेते, लेकिन नहीं, उनके दिमाग में ये चीज है कि दुनिया कुछ नहीं है, आओ दुनिया में कुछ ऐसे काम कर ले जिस काम के करने से मौला राजी हो जाए। आज तो दुनिया को पाने के लिए लोग किस हद तक गिर चुके हैं। मैं सिर्फ एक बात का जिक्र करके अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह वालो, ये दुनिया ही तो है और क्या है, मुझे आप बताएं कि दुनिया को पाने के लिए हमने आपने हलालो हराम के दीवार को छलांग किया, तोड़ दिया, इसकी परवाह किए बगैर किस अमल से मौला राजी होगा कि नहीं होगा, इस अमल के बदले हमको जन्नत मिलनी या जहन्नम में दफेंक दिए जाएंगे, इसकी परवाह किए बगैर हमने आपने ऐसा अमल किया है। आइए एक हदीस में आपके सामने रखूं, फिर बात की वजाहत करता हूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे किराम की जमात मौजूद है। अल्लाह के नबी एक सवाल पूछते हैं। अल्लाह के नबी का सवाल यह है कि मेरे सहाबा आप ये बताएं कि मुफलिस इंसान किसे कहते हैं। सहाबे किराम की तरफ से जवाब आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी नजर में मुफलिस इंसान उसे कहा जाता है जिसके पास दिनार और दिरहम ना हो, जिंदगी जीने का सामान ना हो, ऐसे इंसान को हम मुफलिस कहते हैं। सुन, कहा ऐसे इंसान को हम मुफलिस कहते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा ला, कहा नहीं, काफिर, कहा जो हमको पता था हमने बता दिए, जिस बात का इल्म हमको था हमने बता दिए, आगे अल्लाह जाने और उसके रसूल जाने। आगे अल्लाह के नबी कहते हैं, कहते हो मेरे सब सबा, कल कयामत के रोज मैदान महशर में जब सारी कायनात के लोग जमा हो जाएंगे, इसमें नमाजी होंगे, बेनमाजी होंगे, ईमानदार होंगे, बेईमान होंगे, अल्लाह के राह और अल्लाह रसूल से बगावत करने वाले सारी कायनात के लोग मैदान महशर में हाजिर होंगे। अल्लाह अदल की कुर्सी पर जलवा फरोज होगा, मैदान महशर में कयामत के दिन अल्लाह के पैगंबर कहते हैं कि एक बंदा अल्लाह के पास आएगा जिसके पास नमाज की नेकी है, रोजों की नेकी है, सदका खैरात की नेकी है, हज के साथ उमरा की नेकी, इतनी नेकियां लिए अल्लाह के पास खड़ा है कि उसके कदम जन्नत की तरफ बढ़ाए, इतनी नेकियां लेकर के अल्लाह के पास खड़ा है, नमाज भी पढ़ा है, रोजा भी रखा है, सदका खैरात भी दिया है, हज के साथ उमरा भी किया है, इतनी सारी नेकियां लिए मौलाए करीम के पास खड़ा है, उसके कदम जन्नत की तरफ बढ़ाए, किससे पहले एक दौड़ के आने वाला दौड़ के आएगा और कहेगा ए मालिक की उम्मीद, ए
उसके मालिक, ए आदल की कुर्सी पर बैठने वाले, ए मेरे परवरदिगार मेरी फरियाद सुन ले, मेरी पुकार सुन ले। ये तेरे सामने बंदा खड़ा है, ये जो नमाजी सब खड़े हैं, जो हाजी सब खड़े हैं, अल्लाह ठीक है, इनके पास नमाज किने की है, रोजों किने की है, सदका खैरात किने की है, अल्लाह नेकियों का पहाड़ दिए, अल्लाह इसके कदम जन्नत की तरफ बढ़े, इससे पहले मेरी फरियाद सुन ले, इससे पहले मेरी पुकार सुन ले। अल्लाह के नबी कहते हैं, वो मेरे सहाबा सुनो, वो फरियादी आएगा, अल्लाह के पास अपनी फरियाद रखेगा। तवज्जो देना, कहेगा मेरे पालनहार, ये दुनिया में हमको सताए थे, अल्लाह दुनिया में हम पर जुल्म किए थे, अल्लाह दुनिया को पाने के लिए अल्लाह दुनिया में मेरी बेईमानी किए थे, अपने नर दोहक पानी हमरे द्वारे बहाए थे, दुनिया के अंदर जुल्म उठाए थे, अब आज तेरी अदालत है, अल्लाह दुनिया में मैं करीब था, मेरी सुनने वाला कोई नहीं था, अल्लाह तब मैंने कहा था जा तुझे मेरा परवरदिगार देख लेगा, और आज कयामत का दिन है, तेरी अदालत है, और अदल की कुर्सी पर तू जलवा फरोश है, अल्लाह इंसाफ कर दे, अल्लाह अदल कर दे। वो फरियादी अपनी फरियाद लेकर के अल्लाह की अदालत में खड़ा है, नमाजी साहब के खिलाफ कंप्लेन किया है, नमाजी साहब के खिलाफ एफआईआर लिखवा रहा है, नमाजी साहब के खिलाफ शिकायत कर रहा है, अल्लाह तेरी दरबार में ये बंदा जो खड़ा है, दुनिया में जुल्म किया था, शादी किया था, मेरे खिलाफ झूठी गवाही दिया था, आज तेरी अदालत है, दुनिया में इतना अंधा हो गया था, इसको उकबा की फिक्र नहीं थी, कुल मिला के दुनिया ही इसकी नजरों में, अल्लाह आज तेरी अदालत में मेरा मामला पहुंचा है, आदल कर। अदल तो होगा, इंसाफ तो होगा, हजरत इंसान ही के साथ नहीं आए, आगे अल्लाह के नबी कहते हैं जानवर के साथ भी अदल किया जाएगा, अगर सींग वाली बकरी ने बिना सींग के बकरी को ठोकर दिया होगा, वहां अदल ये होगा कि उसको भी सेंक दिया जाएगा, और उसका बदला लेके मिट्टी में मिला दिया जाएगा, अदल होगा, इंसाफ होगा। मेड़ छांटने की जिनके यहां फितरत है, ईमानी बेईमानी करने की जिनके, अच्छा अजीब गरीब मामला है, अभी मुंबई के अंदर एक मामला आया था, बाजलों के बाद साहब थे मुंबरा के अंदर, काबुल साहब देखो जो देहात के लोग हैं ना, पक्के ईमानदार होते हैं, हमने कहा ये तो बात सही है, काय जो मुंबई वाले हैं ना, ये दो नंबर पांच नंबर न जाने कितना कितना नंबर करते हैं, हज कर लेते हैं, कहां था जन्नत में हम गए, अभी अभी बात आई, ठीक है ईमानदार होते हैं देहात वाले, ठीक है अच्छी बात है ईमानदार होते हैं, लेकिन आप जो चार गोंद धान काटे हैं और जो मेड़ छांट करके दो अंगूर जमीन बढ़ाए हो, अगर चार से ही धान उसमें हुआ है, आप मुझे बताओ एक ड्रम पानी में एक बूंद शराब मिला दो, चार अंगूर जो आपने मेड़ छांटा है, चार गोंद धान में तुये से ही धान बेईमानी मतलब मिला है, अब बताइए आप खुद फैसला करो, जो मेड़ छांटे हैं यहां से लेके उस चक तक ज्यादा ज्यादा आठ से ही भाव हुई मान लो, तो आखिर वो चार गुणों मिला ना, अल्लाह के यहां मामला पहुंचेगा। अब बंदा खड़ा है, फरियादी खड़ा है, आए पालन हारे मालिक ये उम्मीद दी, एक कयामत के रोज के मालिक अदल कर दे, इंसाफ कर दे, अब बंदे के पास कुछ नहीं है, दुनिया की चौतराहट दुनिया में दफन हो गई, उसका शानो शौकत दुनिया में खत्म हो गया, वहां तो खड़ा है, अल्लाह के हबीब कहते हैं कफन के साथ नहीं, बिना कपड़े के सारी कायनात के लोग होंगे, कफन भी नहीं होगा, बिना कपड़े के सब होंगे, कुछ नहीं है, ना तो बैंक बैलेंस है, ना तो चौधराहट है, ना तो जिम्मेदारी है, ना तो रुपया पैसा है, ना तो बैंक बैलेंस है, अल्लाह के नबी कहते हैं उसके फरियादी के फरियाद को सुन करके मौला ये फैसला करेगा कि नमाजी साहब की नेकियां उठाकर, वतन है और कुछ नहीं है, इमदारी जिम्मेदारी तो कुल दुनिया में दफन हो गई, कहां बचा है वहां,
कहा वही नेकियां उठाकर उसको दे दिए जाएंगे, यहां तक कि सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी पर फरियादी खत्म नहीं होंगे। बारी बारी लोग आएंगे, नेकी लेके जाएंगे, नेकी लेके जाएंगे, नेकी लेके जाएंगे, सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी पर फरियादी खत्म ना होंगे। आगे अल्लाह के नबी कहते हैं फिर फरियादी आएंगे फरियाद लेके। अल्लाह के नबी मेरा भी मां, अल्लाह के नबी कहते हैं फरियादी आएगा कहेगा पालनहार मेरा भी मां मिला, अब तो नेकी बची नहीं, सब तो खत्म हो गई, अब क्या चाहिए। कहा मौला तू आदल करने वाला है, तू आदल कर दे। अदल ये होगा कि उस फरियादी के गुनाह को उठा करके नमाजी साहब के सर पे डाल दिया जाएगा। जो कदम जन्नत के लिए उठे थे ऊंधा मुंह करके जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। अल्लाह वालों आओ आओ आज आप कह सकते हो मौलाना हमने मेड़ नहीं छाटा है, हमने बेईमानी नहीं किया है, हमने गीबत नहीं किया है, चुगली नहीं किए हैं। अल्लाह वालों ठीक है आपका जवाब सही है, पर मुझे आप बता दें अगर मैदाने महशर में हम बेईमानी नहीं किए हैं, चोरी नहीं किए हैं, मेड़ नहीं छांटे और खुराफात हमने दुनिया में नहीं किए हैं, अगर मैदाने महशर में रामापुर वाकराफ के आए हुए मुसलमानों मेरे भाइयों, अगर आने महशर में मेरे आपके खिलाफ मुकदमा लिखाने वाला, मेरे आपके पास फरियादी फरियाद लेके आने वाला, अल्लाह की अदालत में शिकायत करने वाला, अगर अल्लाह की अदालत में मेरे आपके गिरेबान को पकड़ने वाला कोई और ना आए, मेरे आपके सग समधी आए, बात समझ में आ रही है। अल्लाह की अदालत में मेरे आपके गिरेबान को जो पकड़ के खड़ा है वो कोई और नहीं, मेरा पड़ोसी नहीं है, मेरे गांव का नहीं है, मेरे करीब का नहीं है, वो मेरा आपका अपना सग समधी है। सग समधी माने जहां से हम पतोहें लाए हैं, जहां से बहुएं लाए हैं, जहां से बेटों का ब्याह किए हैं, अगर वो अल्लाह की अदालत में आए और अल्लाह से फरियाद कर दे ए मेरे परवरदिगार पूछ मेरे समधी से कि दुनिया में हमें किस बात की सजा दिए थे, इतना 5 लाख नकद लिए थे, अल्लाह मुझे दर दर भीख मांगने पर मजबूर कर दिए थे, अल्लाह मेरे जमीनों जायदाद को बेचवा दिए थे, अल्लाह यतने नहीं हमको ब्याज पर गाड़ी खरीद के देना पड़ा था सूद पर। अल्लाह तेरी अदालत है, अल्लाह पूछ ले इनसे कि दुनिया में आखिर किस बात की सजा दिए थे, 5 लाख नकद लिए थे, टाली भर भर कर सामान लिए थे, ए अल्लाह पूछ ले इनसे आखिर दुनिया में किस गुनाह का सजा दिए थे, क्या मेरा गुनाह यही था कि मेरे आंगन में ज़ैनब थी, रुकैया का बाप था, मरियम को मैंने जन्म दिया था, ए अल्लाह पूछ ले किस बात की सजा हमको दिए थे, कोई और नहीं है फरियादी मेरे आपके सग समधी हैं, जिनके रगों का एक एक कतरा खून मैंने आपने निचोड़ लिया है, जिसको दर दर भीख मांगने पर हमने आपने मजबूर किया है, फाइनेंस पे गाड़ी खरीद कर जहेज में हमने आपने लिया है। अल्लाह वालों अगर वो फरियादी समधी मेरे आपके खिलाफ मुकदमा कर दिया अल्लाह की अदालत में, बताओ कोई जवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्रोग्राम में सुबाई जमीयत के नाज़िम मोहतरम शेख शहाबुद्दीन मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जिला सिद्धार्थनगर जिले जमीयत के नाज़िम आला शेख उसीउल्लाह अब्दुल हकीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह, ऐसे ऐसे अकाबिर उलमा मौजूद हैं, मसला आप पूछ सकते हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं अगर दुनिया के अंदर हमने आपने अपने समधियों से माफी तलाफी का मामला नहीं किया, अल्लाह की कसम बख्शिश मुमकिन नहीं है। ये मामलात हैं जो
दुनिया को पाने के लिए, दुनिया को हासिल करने के लिए हमने आपने ये तमाशा किया है, ये खेल खेला है, हमने आपने दिन के उजाले में टकैती किया है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तक वो दिन के उजाले में लूटे हुए माल को वापस नहीं कर देते हैं, अपने संधियों से माफी नहीं मांग लेते, तब तक बख्शिश होनी मुमकिन है? बोलो, मामिलात है ये, हुकूकुल इबाद है ये, शेख मोहतरम बैठे, मामिलात है ये, ठीक है, पूरी जिंदगी आप नमाज ना पढ़ो, रोजा ना रखो, सबका खैरात आपने नहीं दिया है, पूरा दामन गुनाहों से भरा है, अल्लाह की रहमत अगर जोश में आ गई तो इंशाल्लाह बख्शिश हो सकती है। अल्लाह की रहमत अगर जोश में आई, मामिलात नहीं है, हुकूकुल्लाह से आपका मामला है, डायरेक्ट अल्लाह का मामला है, अल्लाह की रहमत जोश में आई तो बख्शिश हो सकती है। लेकिन अगर दुनिया में किसी का दिल मैंने आपने दुखाया है, जो कोई हो, चाहे वो पड़ोसी हो, हमारे इस्लाम ने तो ये कहा कि आप अपने पड़ोसी का भी दिल नहीं दुखा सकते। वो शक्के समझिए मिला रहा सिर जिस खून नोचे के, बता आप खुद बताएं ना क्या गुनाह किया है। अल्लाह वालों बख्श दो हमारी बहनों के इज्जतों को, बख्श दो हमारी बेटियों के इज्जतों को, जाने कितनी हमारी बहनें घरों में बैठी हैं इस आस के साथ, इस उम्मीद के साथ कोई आएगा निकाह का पैगाम लेकर, कोई आएगा जो मुझे भी सुहागन बनाएगा, मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगेगी, मेरा भी घर बसेगा, पर एक गरीब बाप के आंगन में बैठी है इस आस के साथ, जिस दरवाजे पर बाप की नजर पड़ती है तो कहीं लिखा है 5 लाख नकद प्लस गाड़ी प्लस 300 बारातियों को हमारे पसंद के हिसाब से खाना खिलाना वगैरह वगैरह। अल्लाह वालों कोई रास्ता उसके पास नहीं बचता है। सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव है उनको पता है कि बहुत सारी हमारी बहनों ने ऐसा रास्ता चुना है कि अपने ईमान तक का सौदा कर दिया है। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? हमारी बहनों ने आज अपने ईमान तक का सौदा कर दिया है, नाम तक को चेंज कर दिया है, हमारे रस्म और रवाज ने कहां ले जाके हमारी बेटियों को छोड़ा है, हमारी बहनों को छोड़ा है, इस्लामी माओ और बेटियों को। लिहाजा मैं आपसे भीख मांगता हूँ, छोड़ दो इन रस्म और रवाज को, बख्श दो हमारी बहनों के इज्जतों को। क्या बड़ी क्या चाहते हैं आप? आपका नाम हो जाए, नाम के लिए आप ऐसा सब काम कर रहे हैं, दुनिया के लिए सब काम कर रहे हैं। उस दिन पता चलेगा जब पहली रात होगी कब्र में, उस दिन पता चल जाएगा कि हमने आपने किसके लिए क्या किए थे। कर चाहे लाना रिवायत की दहलीज पर, ओ मां तेरे हिंद की बेटियां चल गई। आज भी रस्म रवाज ने हमारी बहनों को कहां छोड़ा है? आज हमारे बहनों का कोई हाथ लेने को तैयार नहीं है, उनसे निकाह करने को तैयार नहीं। क्या दे दे यार एक बाप, एक लड़की का बाप आपको क्या दे दे? अच्छा बाज लोग ये मसला पूछते हैं, बाज लोगों की तरफ से जब बातें आती हैं ना, बहुत सारी बातें जब हो जाती हैं तो ये कहते हैं कि मौली साहब हम मांगे ना ही हैं अपने खुशी से तीस है। हाँ हाँ दलील देते हैं, ये दलील देते हैं कि मौली साहब मांगे ना ही हैं अपने खुशी से दीस है। हम मैं आप बता दो कि शादी के पहले आपके संधी आपसे इतना खुश थे कि 5 लाख नकद दे दिए, तीन तीन टाली सामान दे दिए, 400 बर्ती हन गए, फराई खाना खिला दिए, बियाहवक बाद 5,000 कर्जा मांग के दिखाओ, 5,000 कर्जा मांग के दिखाओ। जानता है उसका बाप अगर नहीं देंगे तो इस बारात वापस चली जाएगी। तो अल्लाह वालों क्या क्या दे दे, पाल पोस करके, पढ़ा लिखा करके, 20 बरस करके आपके हवाले कर दिया, इसके सिवा और क्या दे दे, और क्या चाहते हो? लिहाजा अल्लाह वालों दुनिया के लिए इतना ज्यादा हम लोग अपने आप को आगे ना ले चलें। क्या आया कि जैसे गोबड़ौरा
जब दिन में टहल घूम करके थक हार करके अपना गोला लेकर के आता है, ऐसे ही जब हम दुनिया को अलविदा करके जब कब्र में जाएं, तो ये पता चले कि टाली भर का सामान तो कब्र में आया ही नहीं, अब तो बेना नहीं आया। और एक बात मैं आपको बता दूं, वो बात ये है कि जो चीज हम और आप कर रहे हैं वो अपने आंख से हम और आप देखते भी हैं, अपने आंख से। आप कहोगे वो कैसे? जब हमने आपने अपने आंगन में बैर का पेड़ लगा दिया तो उसपे अमरूद का फल उम्मीद लगा के हम बैठे हैं, ये कैसे मुमकिन है? वही बच्ची जो आपकी बहू बन करके आई है, आपका जब यहां से टेलीफोन जाता था, सुनो मटन में दो तरीके का होना चाहिए, वही बच्ची वहां देख रही थी कि मेरा बाप अब उसकी फरमाइश के लिए मेरे अम्मा के जेवर बेच रहा है, जमीन गिरवी रख रहा है और कितनी कितनी परेशानियों से भीख मांग मांग करके हमको विदा कर रहा है। वही बच्ची आपकी बहू बन करके आई है, उसके ही बाप को हमने आपने दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर किया था, उसके बाप के रगों का एक एक कतरा खून हमने निचोड़ लिया था, वह लड़की हमारे घर बहू बन के आई है, अब उससे उम्मीद लगा के बैठे हो कि आपे जमजम पिलाएगी? सादा पानी दे दे, डबल सस्ता करो, सादा पानी, आबे जमजम की उम्मीद लगा के बैठे हैं। लिहाजा अल्लाह वालों, औलाद के लिए, बेटों के लिए, दुनिया के लिए से जब काम हम कर रहे हैं, कोई किसी के काम आने वाला नहीं है, ये साफ तौर पर आप जान लें। मैं कुरान आपको बाद में सुनाऊं, अभी माजी के दो तीन साल आप ले लें, कोरोना महामारी जो दो तीन साल गुजरे हैं 2019 और 20 और 21 आप भी ले लें, उसी में इसी कोरोना महामारी में दुनिया ने दुनिया के आंख से देखा कि इस दुनिया के अंदर कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था। जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव थे तो उन लोगों ने और देखा, किसी कोरोना में बाप को कोरोना हो जाता है। गवर्नमेंट ने ये कहा कि 3 गज की दूरी बना के रखना, सगे बेटे को देखा गया सगे बाप से मीटरों की दूरियों पर खड़ा नजर आया, और उसी कोरोना में बाप का डेथ होता है, इंतकाल होता है, जीसीबी के जरिए गढ़ा खोदा जाता है, जानवर की तरह उस गढ़े में उस बेटे के सामने बाप को फेंक दिया जाता है। बेटे को तौफीक तक नहीं मिलती कि अब्बा की कब्र पर मिट्टी उठेल दे, अब्बा की कब्र पर पानी का छिड़काव कर दे, और तो और आखिरी लिबास कफन पहना दे, इस बात की भी तौफीक नहीं होती। क्यों? इस डर और खौफ से अगर करीब चला गया तो कहीं बाप का कोरोना हमको ना लग जाए। अल्लाह वालों, कुरान ने जो दर्स दिया, कुरान ने जो सबक दिया, कुरान ने जो पैगाम दिया, वो बात मेरे आपके गले के नीचे नहीं जा रही। कुरान ने कहा फैदा जाति साखा यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मीहि व अबी व साहिबतिहि व बनी लिकुल इमरिइन मिनहुम यौम इदिन शअनु युग्नी। अल्लाह वालों, दुनिया ने दुनिया के आंख से देखा कि कोरोना ने भाई को भाई से अलग कर दिया, बाप को बेटे से जुदा कर दिया, बीबी को शौहर से अलग कर दिया। अल्लाह वालों, इस डर और खौफ ने कहीं कोरोना दूसरे को लगे ना, हमको भी ना दुनिया को जुदा होना पड़े, हमको भी ना दुनिया से अलविदा होना पड़े। अल्लाह वालों, वहां क्या होगा जहां जन्नत जहन्नम का फैसला होना है? कुरान कहता है वहां कोई किसी का पुरसाने हाल, बेटा भी नहीं, बेटी भी नहीं, कुंबा खानदान, दोस्त अहबाब कोई नहीं, जिनके लिए दुनिया में हमने आपने हलालो हराम की दीवार को तोड़ रखा है, जिनके लिए हमने आपने अल्लाह को छोड़ रखा है, जिनके लिए हम और आप मस्जिद से दूर हो गए हैं, जिनके लिए अल्लाह रसूल से हम और आप दूर हो गए हैं। लिहाजा अल्लाह वालों, ये दुनिया दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, दुनिया की कोई सच्चाई नहीं है, ये दुनिया तो मोमिनों के लिए जेल है, कैद खाना है। अल्लाह के नबी कहते हैं दुनिया कैद खाना है, हमारे आपके लिए कैद खाना है ये। अब कौन आदमी है जो जेल में काफी देर तक रहना पसंद करे, सोर्स लगा करके घूस घास दे करके जल्दी जमानत कर पाता है कि जल्दी मिल जाए, जल्दी छुट्टी, जल्दी रिहाई हो जाए? बताओ कोई कैदी जेल में ज्यादा दिन रहना पसंद करेगा? हमारे साहब लोग बैठे हैं, पूछो कितना कोशिश करते हैं, साहब छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो, पूछो
कोई कैदी नहीं चाहता है। ऐसे ही अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ये दुनिया कैद खाना है मोमिनों के लिए। जैसे मोमिन यहां, तो लिहाजा इसको आप ये ना समझ लें कि हम आजाद हैं। नहीं, अल्लाह के रसूल के अहकामात जो हैं, प्यारे नबी के जो अहकामात हैं, बस उसी पर हमको आपको चलना है। ऐसे कुछ अमल कर लो, ऐसे अमल कर लो कि उकबा मर जाए, ऐसे कुछ अमल कर लो कि अल्लाह राजी हो जाए, ऐसे कुछ अमल कर लो कि मरने के बाद अल्लाह के मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते वेलकम और इस्तकबाल करें, ये कहकर कि बोलेंगे ये मलाइका बाबे बहिश्त पर, बोलेंगे ये मलाइका बाबे बहिश्त पर, तशरीफ लाओ मोमिनो तुम पर सलाम है, तशरीफ लाओ मोमिनो तुम पर सलाम है। ऐसा कुछ अमल करके दुनिया से जाओ, ऐमानी बेईमानी करके, झूठ बोल बोल करके, वो कदमा मुकदमा करा करके, आरटी पार्टी बंदी करा करके नहीं, दुनिया में हमेशा हमेशा हमको आपको किसी को नहीं रहना, किसी को नहीं रहना है। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है जो जो दो दिन का ये सफर है। लिहाजा अल्लाह वालों, हमको आपको दुनिया की हकीकत को समझने की जरूरत है, दुनिया की सच्चाई को जानने की जरूरत। कब्रिस्तानों की ज़ियारत कर लिया करो, न जाने कितने मुर्दों को हमने आपने नहलाया होगा, न जाने कितनों को हमने आपने कब्र के हवाले किया होगा, न जाने कितनों के सीनों पर हमने आपने मिट्टी उडेला होगा। और यही हाल कल मेरा आपका अपना होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि हम और आप जब कब्र में जाएं तो फिर अफसोस ये करें कि वो बंगले तो दुनिया में छूट गए। तो रब्बना अबसरना व समिअना ना फरजना ना मल सालिहन इल्ला मुकिनो, रब्बना अबसरना व समिअना फरजना ना मल सालिहन इल्ला मुकिनो। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि बैकअप हो, वापसी हो, फिर दुनिया में भेजे जाओ, चलो कुछ कुरान पढ़ लो, चलो कुछ नेकियां कर लो। नहीं दोस्तों, लिहाजा गुजारिश ये करूंगा कि आओ आओ आज के इस प्रोग्राम में इस बात का हम अहद करें, आओ आओ आज के इस प्रोग्राम में इस बात का हम अहद करें कि इंशाल्लाह तबारक व तआला हम अपने बेटियों की बेटों की शादी सुन्नत के हिसाब से करेंगे, कोई मामला नहीं करेंगे। यक्को मनाई नहीं उठाएंगे, देखो बोलो इंशाल्लाह, वादा करो, वादा करो मुसलमानों, वादा करो इंशाल्लाह। और जे जे लिखा है वो समथिंग वापिस दे, माफी मांगी, बोलो अब क्यों उठा के दिखाओ, क्यों नहीं? देखो हाउ डर के उठा है, मालूम तो वो समझी बना है। जो लोग दिए हैं वो अपने समझियों को सम्मान दे करके माफी तलाफी इसी दुनिया में करो। के बाद शेख अब्दुल रशीद साहब जनाजा पढ़ाएं या किसी और आलिम दीन से आपके बेटे जनाजा पढ़वाएं, वो एक रस्म है कि भाई मरने वाला दुनिया से चला गया, कहा सुना हो तो माफ कर दो, लेन देन हो, जिंदगी में सांसें बाकी हैं, जी रहे हैं, जिंदा हैं, तो आप अपने जो जिनके साथ मामलात हैं यही हल कर लो। ये जमीनों जायदाद, ये रुपया पैसा जो बचा करके हमने आपने रखे हैं अपने बेटों के लिए, मैंने आपको कुरान से समझाया है कि कोई किसी के काम आने वाला, बोलो कोई किसी के काम आने वाला, जिस बिगहे से मोहब्बत है, जिस जमीनों जायदाद से मोहब्बत है कि अगर समझ एक वापिस दी हम बिगहवा बेच परी, तो वो बच्चे आपके क्या काम आएंगे, आप बता दो क्या काम आएंगे, बोलो इंशाल्लाह हम समझी से माफी मांगेंगे, बोलो। देखो यको मनाई नहीं माफी प्यार है, अल्लाह जजाए खैर दे आपको, नियत कर लो। असल में सोच ये रहे कि अतबा उठाएं कहूं अल्लाह तौफीक न दे दे, इस सोच में पड़े हैं। लिहाजा मुसलमानों, अल्लाह अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते ये सारी चीजें खत्म करो, ये दुनिया है ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लिहाजा हमको आपको अपने उकबा की फिक्र करनी है। अल्लाह सुना है कि परवरदिगार आपको दुनिया में जब तक जिंदा रखे, ईमान के साथ रखे।